आखिर चीते और शेर में क्यों है दुश्मनी, यानी कौन होता है सबसे ज्यादा ताकतवर। भारत में साल 1947 में आखिरी बार चीता को देखा गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने साल 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित तो कर दिया था, लेकिन कभी भी उनको बुलाने के लिए, उनको लाने के लिए कभी पहल ही नहीं। लेकिन अब लंबे समय के बाद एक बार फिर देश में चीते देखने को मिलेंगे। भारत के जंगलों में अभी तक हमें शेर, बाघ और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर देखने को मिलते थे, लेकिन अब अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं, जिनमें 5 मादा हैं और 3 नर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा था। इन दिनों हर तरफ चीतों की चर्चा हो रही है। जंगल में रहने वाले शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता बेहद शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीतों को शेर अपना दुश्मन मानता है? आइए जानते हैं कि आखिर चीता को शेर अपना दुश्मन क्यों मानता है। दुनिया में चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। आमतौर पर चीता 110 से 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता है, लेकिन इसकी दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है, लेकिन चीता अधिकतम गति सिर्फ 10 सेकेंड में अपनी रफ्तार को पकड़ लेता है। चीतों के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा और जान लिया होगा, लेकिन अगर शेर और चीते के बीच में लड़ाई होगी तो जीत किसकी होगी? चीते और शेर के बीच जंग की वजह बेहद खास है। शेर सोचता है कि अगर चीता जीवित रहा तो उसका शिकार खा जाएगा, और चीते को लगता है कि शेर जीवित रहा तो वो उसका शिकार खा जाएगा। जंगल का राजा बेहद ताकतवर होता है और मौका मिलते ही चीता का शिकार कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंगल में रहने वाले दोनों जानवर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मौका मिलते ही चीते को शेर मार सकता है और शेर को चीता भी मार सकता है। ऐसे में चीते और शेर के बीच मारने के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर और चीते एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। लकड़बग्घे को शेर मार देता है और लकड़बग्घा मौका मिलते ही शेर के बच्चों को मार देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शेर चीते और लकड़बग्घे को मारने के बाद खाता नहीं है, वह सिर्फ उनको इसलिए मारता है क्योंकि उनको अपना दुश्मन मानता है। इस खबर में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।